में कश्मीर की शादियों में जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं ना, ये देखो, ये शादियों में यूज करती हैं कश्मीर की औरतें। गाना बजाना इनके बिना तो इम्पॉसिबल ही है। बस यही सोच रहा था कब शादी में पहुंचना है यार, शादी मिस ना हो जाए, बस ये दिमाग में खाली था यार। अभी कल मैंने काफी सारी सफाई की है, यहाँ से वहाँ तक। यहाँ पे थोड़ा वो घास वगैरह आ जाता है, वो भी मैंने साफ किया है। फिलहाल हमने ये जगह बना के रखी है जहाँ पे हमें टेंट वगैरह भी लगाना है। तो ये रहा घर, अभी साफ सफाई पूरी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या चल भाई, मजे में क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर से, क्योंकि घर में शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और शादी है मेरे बड़े भाई की, जिनका नाम है साजिद खान। तो आज से जो भी व्लॉग्स आएंगे ना, कुछ व्लॉग्स तो घर में आएंगे, कुछ व्लॉग्स बाहर जब हम जाएंगे शॉपिंग वगैरह करने, इनविटेशन कार्ड्स देने, तो कुछ व्लॉग्स उनके आएंगे। तो अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे लगेंगे जो व्लॉग्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि साफ़ सफाई हो रही है घर में, पेंट वगैरह हो रहा है, जो भी हो रहा है और उसके बारे में आज का व्लॉग होगा। और इसके बाद जो है चावल वगैरह जो साफ़ करते हैं वाजवान के लिए, रिलेटिव्स को, अपनी फूफियों को, मासियों को, इन सबको बुलाया जाता है, और मोहल्ले की जो लेडीज़ वगैरह होती हैं उनको भी बुलाया जाता है, फिर वो चावल साफ़ करती हैं मिलके, गाना वगैरह भी होता है, और उसके बाद वो चावल रखते हैं वाजवान के लिए। तो काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, काफ़ी सारे एपिसोड्स आने वाले हैं कश्मीरी वेडिंग के। तो अगर आप पूरी कश्मीरी वेडिंग देखना चाहते हो तो आज से पूरे व्लॉग्स पूरे देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले काफ़ी सारे लोगों ने व्लॉग्स मेरे देखे होंगे, तो यहाँ पे एक शेड जैसा हमने बना के रखा था, स्टोर बना के रखा था, जिसमें हम लकड़ियाँ और कुछ सामान वगैरह भी रखते थे, तो वो हमने तोड़ दिया है, बाद में आराम से बनाएंगे। फिलहाल हमने ये जगह बना के रखी है जहाँ पे हमें टेंट वगैरह भी लगाना है, और यहाँ पे चावल वगैरह भी यहाँ पे सब बैठ के साफ़ करेंगे। वो आने वाले व्लॉग्स में आप ज़रूर देखेंगे, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो ये रहा घर, अभी साफ सफाई पूरी चल रही है। फिलहाल हम चलते हैं अंदर, थोड़ा सा होम टूर देता हूँ आपको, और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पे। चलिए चलते हैं अंदर। अब रूम की सफाई हो चुकी है, यहाँ पे देख रहे हैं अभी बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, पूरा सामान बाहर निकाल दिया है, क्योंकि अब जो है ना रूम्स ज़्यादातर खाली रखे जाते हैं, क्योंकि जो भी मेहमान आते हैं उनके लिए बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, खाना वगैरह खिलाना है उनको, तो ये पूरा खाली ही होना चाहिए। तो ये रहा एक रूम जहाँ पे हमने सफाई करके रख दी है। अब बाकी रूम्स की कंडीशन देखते हैं क्या है, अब भी वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये वाला रूम भी देखो, ये है मेरा रूम। फिलहाल इसमें भी मैटिंग उठा दी है पूरी, और साफ सफाई हो गई है थोड़ी, यहाँ पे भी ठीक है। ऊपर चलते हैं, इस वाले रूम में भी ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी है, खाली ये बिस्तर वगैरह डालने हैं इसमें, और ये भी ठीक है। चलो यहाँ पे भी सफाई ठीक ही हो गई है फिलहाल। ये देखो, ये सामान कुछ ला के रखा है हमने शादी में, जो भी लगेगा वो ये सामान सब है यहाँ पे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, शादी में, कश्मीर की शादियों में जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं ना, ये देखो, ये रहे जी वो इंस्ट्रूमेंट, ये सब, ये देखो। तो ये शादी आने से पहले ही घर में मंगवाए जाते हैं, मार्केट से लेके आते हैं ये हम, तो क्योंकि ये शादियों में यूज करती हैं कश्मीर की औरतें। गाना बजाना इनके बिना तो इम्पॉसिबल ही है। बाकी ये कुछ हमने अलग लाए हैं, ऐसा तो यूज़ नहीं करते हैं मैक्सिमम शादियों में, ऐसा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमने ये भी लाया है, और ये छोटा सा एक ढोल भी लाया है, और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट, बाकी कुछ तैयारी करनी बाकी है अभी भी। यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हैं, काफ़ी सारी और भी सफाई करनी है अभी हमें। नीचे सामान वगैरह हो गया है, तो बिल्कुल ज़ोरों शोरों से ये शादी की तैयारी जो है वो हो रही है। अभी चलते हैं हम नीचे। एक रूम रह गया था, ये भी मेरा रूम है, पहले मैं इसी में सोता था, छोटे से रूम में। अब यहाँ से बेड उठा दिया हमने, बाकी अभी इसमें भी सफाई हो रही है, और बाकी अभी मेरा जो टेबल है नीचे लैपटॉप वगैरह का, वो भी ला के मैं यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि वो वाला रूम हमें खाली करना है। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है बाहर का, ओपन करके आपको दिखाता हूँ। काफ़ी टाइम से यहाँ पर बैठा नहीं हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर डेली बैठता था, ये खिड़की खोल के। ये देखो भाई व्यू क्या है यहाँ से,
वो जो अपोजिट आप देख रहे हैं ना, ये है घंटामूला का एरिया, बिल्कुल घंटामूला। जब क्रॉस इस मोड़ में पहुंचेंगे ना आप, यहाँ से नज़र करके घुमा के देखना, बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे मेरा घर है। तो बाकी व्यू देख लो कितना खूबसूरत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में थोड़ा बहुत आपको मैंने बता दिया कि हमारे घर में जो है वो शादी होने वाली है। आज है 1 अक्टूबर और दिन को मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, शाम को इंशाल्लाह आपके लिए ये ब्लॉग अपलोड कर दूंगा मैं। और ठीक कुछ 5-8 दिन बाद हमारे घर में होने वाली है शादी। और साफ़ सफाई है उसका काम काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुका था और ऑलमोस्ट अब सब ख़त्म हो चुका है। और अब कुछ ही दिन रहे हैं शादी में, तो अब काफ़ी सारे एपिसोड्स आने वाले हैं कश्मीरी वेडिंग के। तो काफ़ी सारे लोग ये देखना चाहते थे कि कश्मीर में कैसे शादियाँ होती हैं, स्टार्टिंग से कैसे घर में तैयारी की जाती है। तो वो सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है, ब्लॉग्स को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल भी है मेरा, सेम नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब करो, वहाँ पर भी सपोर्ट दो। तो अभी मैं चलता हूँ थोड़ा बाहर घूमने, और हमें कुछ कार्ड्स वगैरह जो हमने प्रिंट करवाने के लिए डाले थे वो भी रेडी हो चुके हैं, कार्ड्स लाएंगे। उसके बाद उनका भी एक अलग एपिसोड आएगा जब हम कार्ड्स घर पे लिखेंगे, फिर वो कार्ड्स हमें अपने रिलेटिव्स वगैरह को जाके देने पड़ते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम काफ़ी सारे एरियाज़ में ट्रैवल करने वाले हैं और वो उसका एक एक अलग एपिसोड हम बनाएंगे। तो आप सबके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट आने वाला है, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो अभी चलते हैं हम नीचे, बंद कर देते बाकी गांव की लाइफ का क्या कहना, मज़ेदार लाइफ होती है गांव में। तो दोस्तों अब मैं आया था शेरी मार्केट तक, घर के लिए थोड़ा सामान भी लेना था, और हमारे इखलाक भाई भी आ जा रहे हैं दिल्ली से वापस। तो अब शादी में काफ़ी हेल्प की ज़रूरत है, तो इखलाक भाई दोस्त वगैरह जो भी होते हैं ना, दोस्त ही हेल्प करते हैं। जब भी घर में शादी होती है तो उसमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है। तो फाइनली वो आ रहे हैं, उनसे भी मिल लेते हैं, उनको अपने साथ ले जाते हैं घर, और कुछ सामान वगैरह भी यहाँ से ले जाते हैं। बाकी देखते हैं इस ब्लॉग का एंड कहाँ पे होगा आज, और काफ़ी सारे आगे ब्लॉग आने वाले हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक, वेलकम बैक होम। यार अच्छे से पहुंच गए, शुक्र है जल्दी आए, शादी में कुछ ही टाइम रह गया। शुक्र, शुक्र, अल्लाह का शुक्र यार। मैंने सोचा अगर नहीं आए ना मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। नहीं यार आना था। चलो आगे एक लाख भाई भी, अभी चलते हैं घर, इसी पार्टी यहाँ पे करेंगे सबसे पहले हम। और गाड़ी भी मुझे धोनी है क्योंकि अभी इन्विटेशन लेके काफ़ी सारी जगहों पर जाना है, तो गाड़ी साफ होनी चाहिए। मजा आ गया राशिद भाई, 3 दिन से चला हूँ, 3 दिन से, 1 दिन 1 रात 1 दिन, बस यही सोच रहा था कब शादी में पहुँचना है यार, शादी मिस ना हो जाए, बस ये दिमाग में खाली था यार, सोचा यार आप नाराज़ हो जाओगे। तो दोस्तों बस आज के इस व्लॉग का यहीं तक रखते हैं, और आज ये एक व्लॉग जो था ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था आपके लिए कि अब बस तैयारियाँ होने वाली हैं। तो ऐसे शादी के ब्लॉग्स आएंगे कुछ दिन, अभी 15 अक्टूबर तक मैं सिर्फ घर के कामों में बिज़ी हूँ और वही ब्लॉग्स में डालूंगा। तो एंजॉय करो उन ब्लॉग्स को, साथ में शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। और तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल, और कमेंट्स, अच्छी अच्छी कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।